हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉयड्स मिरर। लॉयड्स मिरर किस थ्योरी पर बेस्ड है? ये है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस अभी तक हमने देखा मिलता है दो कोहरेंट लाइट सोर्स के सुपरपोजिशन से, और ये कोहरेंट लाइट सोर्स मिलते हैं बाय डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट और बाय डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड से। अभी हम पढ़ रहे हैं बाय डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट। इसमें हमने क्या पढ़ लिया? यंग्स का डबल स्लिट पढ़ लिया। हमने फ्रेजनल बायप्रिज्म देखा जिसमें रिफ्रैक्शन मेथड को यूज़ किया गया था। लॉयड ने मिरर का यूज़ किया रिफ्लेक्शन के लिए। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस हम देखेंगे रिफ्लेक्शन मेथड से कैसे मिलता है। तो इसके लिए मिरर को, नाम से ही समझ में आ रहा है मिरर यूज़ किया लॉयड ने, इसके लिए मिरर को अर्थ सरफेस के पैरेलल रखा। क्लियर है? इस तरीके से मिरर को रखा। अब ये जो मिरर है इसके यहाँ पर लाइट इसके सरफेस पर इंसिडेंट होनी है, तो स्लिट को इस तरीके से लॉयड ने रखा। ठीक है, अब यहाँ से जो लाइट इंसिडेंट होगी इस मिरर के ऊपर, तो ये लाइट इंसिडेंट हुई। सिमिलरली यहाँ पर हम ले रहे हैं लास्ट कॉर्नर पे लाइट इंसिडेंट हो रही है। यहाँ से रिफ्लेक्शन करके लाइट इस डायरेक्शन में जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, और सिमिलरली सेकेंड लाइट भी रिफ्लेक्शन करके जाएगी। तो अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट मिली, रे नंबर सपोज वेव नंबर 1 है और 2 है, और इनके ऊपर जो डायरेक्ट वेव इंसिडेंट होंगी इस तरीके से, इनमें सुपरपोजिशन होगा, और वो सुपरपोजिशन रीजन हम यहाँ पर देखेंगे, और वो होगा ये वाला पोर्शन, शेडेड पोर्शन जो है। यहाँ इंटरफेरेंस हो रहा है, ये इंटरफेयरिंग जोन है, यहाँ पर हमको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलने वाली हैं। तो दो कोहरेंट लाइट सोर्स के बीच में सुपरपोजिशन यहाँ पे भी हो रहा है, एक ये रिफ्लेक्टेड लाइट और दूसरी डायरेक्ट। ठीक है, डिफरेंस याद रखना फ्रेजनल बायप्रिज्म के साथ में, वहाँ पर दोनों सोर्सेस कैसे थे? कोहरेंट वर्चुअल थे। यहाँ पर एक रियल सोर्स हमने यूज़ किया हुआ है, उससे रिफ्लेक्टेड लाइट और एक डायरेक्ट लाइट में इंटरफेरेंस हो रहा है। क्लियर है सबको? तो एक फिनोमिना हमने जो देखा, क्या हमको एक कॉमन चीज़ जो याद रखनी है रिफ्लेक्शन यहाँ पर देखने के लिए, कि मिरर है, यहाँ पर स्लिट है, मिरर के ऊपर लाइट इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्शन किया, स्क्रीन पर गई और ये डायरेक्ट चली गई स्क्रीन पर, इनमें इंटरफेरेंस होगा। क्लियर हो गया? तो अब हम देखते हैं कि कैसे हमको एग्ज़ाम में लिखना है और किस तरीके से आपको डायग्राम बनाने हैं। तो यहाँ स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है, हमने यहाँ पर क्या किया है, एक स्लिट ली है। ये स्लिट कैसी है या सोर्स कैसा है? नैरो है। ठीक है, सोर्स मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए। मोनोक्रोमैटिक सोर्स से आने वाली लाइट स्लिट पर, जिसको हम यहाँ पर अभी सोर्स भी मान सकते हैं, तो यहाँ से ये जो स्लिट है इस मिरर के पैरेलल होनी चाहिए। और मिरर कैसा होना चाहिए? मिरर ऑन द अर्थ सरफेस पैरेलल होना चाहिए। अर्थ सरफेस अगर हमारी ये है तो मिरर भी उसके पैरेलल, परपेंडिकुलर मिरर की पोजीशन नहीं रखेंगे। ठीक है, अब मिरर भी ऐसा है और स्लिट भी ऐसी, और स्लिट कैसी है? नैरो है। सोर्स कैसा है? मोनोक्रोमैटिक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। पहली चीज़ मिरर, जिसको अर्थ सरफेस के पैरेलल रखा, स्लिट जिसको मिरर के पैरेलल रखा, स्लिट को कैसा रखा? नैरो। ये ज़रूरी है कि स्लिट पतली से पतली हो, क्योंकि जब स्लिट नैरो होगी उससे कम लाइट आएगी और हमारा पैटर्न हमको यहाँ पर अच्छे से मिलेगा, है ना। और अगर हम ब्रॉड कर देंगे इस सोर्स को, तो वहाँ पर जितनी ज़्यादा लाइट आएगी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ सोर्स स्लिट के अंदर बनते चले जाएंगे, और फिर पैटर्न हमको एग्जैक्ट क्लियर नहीं मिलेगा। ठीक है, अस्पष्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, ये रेड कलर की रे नंबर 1, रे नंबर 2, रे नंबर 3 अपन ने स्टार्टिंग की, लास्ट की और मिड पॉइंट पे ड्रॉ किया है, और यहाँ से आने वाली सारी की सारी लाइट ऐसे इस पूरे मिरर सरफेस पर इंसिडेंट होगी। पूरी की पूरी लाइट यहाँ से रिफ्लेक्शन करके ये चली जाएगी, और यहाँ से ये ब्लू कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है, ये डायरेक्ट लाइट आ रही है। इन डायरेक्ट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा, और वो इंटरफेरेंस EF रीजन में रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेंगी? ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी, मतलब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा यहाँ पर, जो मिलेगा, जिसको आईपीस से हम देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जो ऑब्जर्वर है उसको कैसे समझ में आ रहा है कि ये लाइट कहाँ से आ रही है। तो ऑब्जर्वर जो देख रहा है उसको समझ में आ रहा है कि EF रीजन में आने वाली जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कहाँ से आ रही होगी। उसको लग रहा है ये लाइट S डैश सोर्स से आ रही होगी।
क्लियर है। तो अब इसको क्या नज़र आ रहा है, दो सोर्स, एक एक्चुअल जो है और एक ये वर्चुअल सोर्स नज़र आ रहा है। क्लियर हो गया। अब सोर्स जो हमने यूज़ किया हुआ है उसका सेंटर जो पॉइंट ओ है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, डी। तो जितने डिस्टेंस पर हमारा सोर्स है एक्चुअल, उतने ही सेम डी डिस्टेंस पर हमको वर्चुअल सोर्स मिलता है। ठीक है, एक चीज़ और जो हमको याद रखनी है यहाँ पर, कि ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है इस स्लिट से, इस मिरर का डिस्टेंस कितना रखना चाहिए, इतना हो कि ग्लेंसिंग एंगल बने यहाँ पर। ग्लेंसिंग एंगल यानी कि पृष्ठ स्पर्शी, हम जिसको कोण बोलते हैं। ठीक है, जो हम मिरर यूज़ करते हैं इसकी खासियत भी देख लेते हैं। तो ये जो मिरर होता है इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर के आसपास होगी, इसकी ब्रेथ 6 सेंटीमीटर रखते हैं लगभग, इसकी जो लोअर सरफेस है या बैक सरफेस है ये ब्लैकेंड रहती है, और इसके साथ साथ इसकी जो अपर सरफेस होती है इसको हम सिल्वर पॉलिश कर देते हैं, जिससे कि जो लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी उसमें रिफ्लेक्ट प्रॉपर अच्छा हमको मिलने वाला है। क्लियर हुआ। अब लॉयड मिरर में या जो इंटरफेरेंस थ्योरी है इसमें हमने देखा कि क्या होता है, हमको सेंट्रल फ्रिंज मिलती है, कोई ना कोई एक सेंट्रल फ्रिंज पूरे इंटरफेरेंस पैटर्न में होती है। यहाँ पे हमारी सेंट्रल फ्रिंज कहाँ पे बननी चाहिए थी, अगर ये स्क्रीन है ये सेंटर एक्सिस हो गया हमारा, तो सेंट्रल फ्रिंज यहाँ पे बननी चाहिए थी। कैसे बननी चाहिए थी, एस से लाइट सी पर इंसिडेंट होती, एस डैश से भी लाइट सी पर इंसिडेंट होती, पाथ डिफरेंस कैसा होता, सेम होता। इसको हम ड्रॉ करके देख सकते हैं यहाँ पर, कि अगर हमारा सोर्स ये रखा हुआ है, अगर ये सोर्स है, ये मिरर है, ये स्क्रीन है, ठीक है, तो अगर लाइट यहां से यहां आ रही है, ठीक है, तो यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अगर ये पाथ डिफरेंस इनके बीच में जीरो आया तो सेंट्रल फ्रिंज कहां पर बनेगी, यहां पर बनेगी, बट ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पे क्या नजर आ रहा है, यहां पे ये दिख रहा है कि देखो, ध्यान देना कि ये यहाँ से आने वाली जो लाइट है, रिफ्लेक्शन किया, एक लाइट अगर यहाँ पे आ भी जाती है, ठीक है, लेकिन वो तो डायरेक्ट आ गई, ठीक, यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्टेड लाइट तो मिल नहीं रही है, तो यहाँ से लेके ई तक का जो रीज़न है, इस रीज़न में कोई भी लाइट रिफ्लेक्टेड पोर्शन में नहीं मिल रही है, रिफ्लेक्ट होके मिरर से नहीं मिल रही है, तो इतने पोर्शन में हमको कोई भी इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ लाइट जो आ रही है वो यहाँ से सोर्स से डायरेक्ट इंसिडेंट हो रही होगी, मतलब ये सिर्फ हमको चमकीला पोर्शन ही नज़र आएगा, ब्राइट पोर्शन नज़र आएगा, जबकि यहाँ पर सेंट्रल फ्रिंज बननी चाहिए थी, पर क्योंकि दो वेव नहीं मिल रही हैं, उनका सुपर पोजिशन नहीं हो रहा है, इसलिए हमको यहाँ सेंट्रल फ्रिंज नहीं मिल रही है। क्लियर है, पोजीशन यहाँ होनी थी बट फ्रिंजेस यहाँ नहीं मिलती हैं। ठीक है, जहाँ पर रिफ्लेक्शन होके लाइट आ रही है और डायरेक्ट लाइट मिल रही है वहाँ इंटरफेरेंस होगा। तो क्या हम सेंट्रल फ्रिंज की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, या हमको अगर ये पता करना हो कि अगर सेंट्रल फ्रिंज होती तो वो ब्राइट मिलती या डार्क मिलती, अगर हम ये देखना चाह रहे हैं तो हमने अपने स्क्रीन को, जो इसकी फर्स्ट पोजीशन ये थी, स्क्रीन को यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे सेट कर देना है। अब जब स्क्रीन यहाँ से यहाँ पर सेट होगा तो क्या होगा, सबको नज़र आ रहा है कि ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई, नंबर वन यहाँ चली गई, नंबर टू इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, ये आ गई, नंबर थ्री यहाँ पर आई, और नंबर थ्री जब आई और यहाँ से रिफ्लेक्शन करेगी तो यहाँ पर क्या होने वाला है, अब हम इसको समझेंगे। क्लियर है, तो ध्यान देना, ये तो डायग्राम अपन ने समझाया हुआ है ऑलरेडी कि इंसिडेंट वेव हुई, रिफ्लेक्शन किया, डायरेक्ट वेव आई, इनमें इंटरफेरेंस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो हमने स्क्रीन को ये डायग्राम बनाया कि जब हमने स्क्रीन को फर्स्ट पोजीशन से हटा के मिरर के साथ में रखा तो क्या होगा, तो ये जो स्टोक्स लॉ आप सब जानते होंगे, यहाँ पर ध्यान देना कि लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, सपोज़ ये लाइट इस तरीके से वेव आ रही है, ये अपन ने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ ये इसका पीक था, लेकिन जब रिफ्लेक्शन हुआ, इसमें सफ़र हुआ, तो यहाँ पर इसका क्या मिला अपने को, ट्रफ मिला,
मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो वेव आ रही थी उसमें फेज उसका बदल गया, जो पहले ऊपर था वो नीचे हो गया, या नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। क्रिस्ट जो है वो ट्रफ में, या ट्रफ जो है वो क्रिस्ट में बदल जाता है, मतलब पाई का फेस चेंज हो गया उसमें। यहाँ से 0 ये पाई और फिर ये 2 पाई, मतलब पाई का फेस बदल गया उसमें, तो क्या हो जाएगा, फेस डिफरेंस निकालना पड़ेगा हमको। तो स्टोक्स लॉ ये कहता है कि व्हेन अ लाइट वेव कमिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम एन एडिशनल फेज ऑफ पाई इज इंट्रोड्यूस्ड इन इट। अगर पाई का फेज आ रहा है वहाँ पर चेंज, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला कितना है, फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू, वी नो दैट 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस होता है, तो 2π/λ पाथ डिफरेंस को डेल से रिप्रेजेंट किया, फेज यहाँ पर कितना चेंज हुआ पाई का, तो पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू हमको कितनी मिली, λ/2। यानी स्टोक्स लॉ ये कहता है कि जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट इंसिडेंट होती है ना, तो क्या होगा उसमें, उसमें पाई का फेस चेंज या λ/2 का पाथ डिफरेंस आ जाएगा। अब ये λ/2 का पाथ डिफरेंस हमने इंटरफेरेंस कंडीशंस निकाली थी, वहाँ पे हमने देखा था कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, ठीक है। तो जब हमने स्क्रीन को फर्स्ट पोजीशन से हटाकर मिरर के साथ मतलब सेकंड पोजीशन पे रखा, तो जो लाइट यहाँ से आ रही है, सोर्स से आ रही है सी पॉइंट पर, तो यहाँ से जैसे ही वो रिफ्लेक्शन करेगी तो ये कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी, और उसमें पाथ डिफरेंस हमको कितना मिल जाएगा, λ/2। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जैसे ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, मतलब हम समझ गए कि हमको सेंट्रल फ्रिंज यहां पर कैसी मिल रही है, जो यहां पर फ्रिंज मिल रही है वो डार्क मिल रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके हमको फ्रिंज मिल रही है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अब यहाँ पर हमको ये भी देखना है कि कैसे हो रहा है पाथ डिफरेंस। तो अगर यहाँ नहीं हो रहा होता, सिर्फ λ/2 ही क्यों, तो इस पोजीशन पर एस सी इज इक्वल्स टू एस डैश सी, मतलब इनका डिफरेंस कितना हुआ, 0। तो यहाँ पे वैसे तो पाथ डिफरेंस 0 है, बट ड्यू टू रिफ्लेक्शन इन वेव कमिंग फ्रॉम एस एट सी, पाथ डिफरेंस यहाँ पर इस वजह से यानी स्टोक्स लॉ की वजह से कितना आया, λ/2। तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 0, और λ/2 प्लस हो गया, तो टोटल हमारे पास λ/2 ही रहेगा, और जो कंडीशन हमारी सेंट्रल फ्रिंज की डार्क की होगी, ठीक है। अब मैंने एक वर्ड यूज़ किया था ग्लैंसिंग एंगल, वो भी आपको याद होगा कि ग्लैंसिंग एंगल होता क्या है, द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट वेव एंड द सरफेस अपॉन विच इट इज़ इंसिडेंट, वो होता है ग्लैंसिंग एंगल। यानी कि ये सरफेस जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही, हम नॉर्मल और इंसिडेंट वेव के बीच के एंगल को हम क्या लेते हैं, इंसिडेंट एंगल। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो क्या है, ग्लैंसिंग एंगल होता है। तो शुरू में मैंने बात की थी कि मिरर को हमेशा स्लिट से इतना दूर रखना चाहिए कि यहाँ पर ये ग्लैंसिंग एंगल हमको मिलता रहे, ठीक है। तो अब हमने कुछ नेसेसरी जो नोट हमने देखे हैं कि लॉयड मिरर में हमको क्या क्या मिलते हैं, अब इस पर ध्यान दें कि लॉयड मिरर में हमको सिर्फ डार्क फ्रिंज मिलती हैं, ठीक है। और अगर हम ये देखें कि ये वाले जो डायग्राम हमने फर्स्ट डायग्राम देखा है, इस डायग्राम में सारी की सारी फ्रिंजें हमको सेंट्रल फ्रिंज की पोजीशन के एक साइड ही मिलेगी, ठीक है, जबकि हमको फ्रेसनल में क्या मिल रहा था, बोथ साइड फ्रिंजेस मिल रही थी। तो लॉयड मिरर में डार्क फ्रिंज हमको मिलती है, ठीक है, स्क्रीन पर। और ये कब मिलती है, ऐसे ही नहीं मिलेगी कहीं पर भी, इस पोजीशन में रखा है तो नहीं मिलेगी, लेकिन जब इस स्क्रीन को हम मिरर के साथ रखेंगे तब ही मिलेगी सेंट्रल फ्रिंज डार्क। क्लियर हो गया। लॉयड मिरर में दो कोहरेंट सोर्स हमको मिल रहे हैं, रिफ्लेक्शन मेथड से मिल रहे हैं, ठीक है। इनकी जो इंटेंसिटी होती है, इसलिए हमको फ्रिंजेस की थोड़ी ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि एक एक्चुअल सोर्स है और दूसरा रिफ्लेक्शन से मिल रहा है। और इसके अलावा सेंट्रल फ्रिंज जो हमको मिल रही है, आर आर डैश पोजीशन पर जो मिल रही है, वो शार्प मिलती है। फ्रेजनल बायप्रिज्म में एक्सपेरिमेंट में मिलने वाली फ्रिंजेस के कंपैरिजन में ये जो सेंट्रल फ्रिंज होती है ये शार्प होती है।
इंटरफेरेंस पैटर्न इज नॉट ऑब्टेंड बोथ साइड, ये तो डिस्कस कर चुके हैं. और इफ़ द स्लिट इज केप्ट एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, यानी कि जो हमने यहाँ पर ये डिस्टेंस रखा हुआ है, ये स्लिट, इसका अगर हम डिस्टेंस इससे नहीं बदलते हैं, ठीक है, जहाँ पर है फिक्स है, तो अगर हम डिस्टेंस नहीं बदलेंगे तो फ्रिंजेस की जो विथ है वो सिर्फ और सिर्फ लैम्डा पर डिपेंड करेगी. मतलब जो सोर्स आपने यूज़ किया हुआ है ना, उसकी वेवलेंथ पर ही डिपेंड करेगी. अगर आप सोर्स बदलोगे तो, यानी वेवलेंथ बदलोगे, तो फ्रिंजेस की विथ चेंज होगी, अदरवाइज सेम विथ रहेगी. ठीक है, यहाँ पर हमको स्लिट की थिकनेस वगैरह पर नहीं जाना है. द फ्रिंजेस बिकम इंडिस्टिंक्ट ऑन इंक्रीजिंग द विथ ऑफ द स्लिट. अगर आप विथ बढ़ा देते हो तो क्या हो जाएगा, तो जितनी भी फ्रिंजेस थी वो अस्पष्ट दिखने लगेंगी. ठीक है, तो जब आपने ये सारी सेटिंग कर ली, ये सेटिंग करोगे किसके ऊपर, हम इसको ऑप्टिकल बेंच के ऊपर ही सेट करते हैं. ये पूरा सेटअप जो हमने बनाया हुआ है, ये पूरा सेटअप हमारा ऑप्टिकल बेंच पर ही जाएगा. और फिर जब ये पूरी सेटिंग हो जाएगी, सब हमने प्रॉपर कर लेना है, तो हम फ्रिंज विथ निकालेंगे. फॉर्मूला हमारा बीटा इज इक्वल्स टू डी लैम्डा अपॉन 2d रहेगा. हम डी जो है ये डिस्टेंस हमने स्क्रीन से और सोर्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना है. लैम्डा हमको फाइंड आउट करना रहेगा. फ्रिंजेस जो हम निकालेंगे आईपीस के माइक्रोमीटर स्क्रू के थ्रू, उनकी बीटा निकाल लेंगे, फ्रिंज विथ निकाल लेंगे. अब बचा स्मॉल 2d. स्मॉल 2d यानी इन दोनों सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस, जिसको कि डिस्प्लेसमेंट मेथड जो हमने बायप्रिज्म में यूज़ की थी उसके थ्रू हम वो भी कैलकुलेट कर लेंगे. और सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुटअप करके क्या निकाल लेंगे, लैम्डा निकाल लेंगे. सबको समझ में आ गया होगा. अगर कोई क्वेरीज है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं.